नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। पता है BGMI को बैन कर दिया गया है, तो मैंने सोचा कि BGMI की कुछ मोमेंट्स की वीडियो डाल देते हैं डोमिनेशन की। मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़ी थी BGMI बैन होने के एक दो दिन पहले की, सोचा था भाई इसके ऊपर वीडियो डालूंगा, लेकिन अच्छी मैच ही नहीं मिल रही थी। सोचते चलो कोई कैसे भी हो BGMI की आखिरी डोमिनेशन की मैच की वीडियो है डाल ही देते। मेरे को पता था गाड़ी के यहाँ से कोई ना कोई बंदा आएगा, तो मेरा क्रॉसर रुद्र था, बंदे की सीधा एडिट मारा, बंदे को सोचने का मौका ही नहीं मिला और कि कैसे मारा भाई। इधर मैं दूसरी तरफ जैसे स्पॉन हुआ, मेरे को पता था राइट की तरफ बंदे होंगे, मेरे को पता था राइट की तरफ कोई ना कोई बंदा छिपके बैठेगा, तो मैंने ग्रेनेड को अच्छे से हाथ में कुक किया और आगे जाके सीधा फेंक दिया, बंदे के मुंह पे फटा है भाई, क्या बोलूँ मैं। इधर भाई गेम के सस्ते नशे, मतलब सर्वर के सस्ते नशे, एक बंदा मेरे को डैमेज देता है, मैं उसको मार देता हूँ, इसका टीममेट पीछे से कूदता है, मैं उसके दो हेड मारता हूँ, फिर भी वो नहीं मरता है, टीममेट भी गोली से मरता है। ये मशीन जरा फिर से स्लो मशीन में देखो, ये मेरे को पिस्टल से मारता है, पिस्टल से मारने के बाद 60% HP मेरे पास थी, मैं बाहर आ जाके इसको पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ। और इसका टीममेट मेरे पे कूदता है, लेवल 2 का हेलमेट है, ज़रा ध्यान से देखो लेवल 2 का हेलमेट है, लेकिन मैं इसको दो हेड मारने के बाद सुनो ध्यान से, दो हेड मारने के बाद भी है नहीं मारा, मेरे टीममेट ने मारा तो मारा है, वो भी टीममेट ने दो तीन गोली मारी। भाई ये क्या चल रहा है सर्वर का, अच्छा क्या बैन किया, ऐसे सस्ते गेम हमको नहीं चाहिए। एक बंदा मेरे से छिपके मार देता है, मैं एक बंदे को मारता हूँ छिपे हुए को भी मार देता हूँ, तीसरा मेरे को पीछे से आके मार देता है, सर्वर के क्या सस्ते नहीं चल रहे। कभी कभी ऐसा होता है एनिमी मेरे को दो गोली मारते, दो गोली में मर जाता हूँ, इधर सामने एक बंदा होता है तो मैं नेट फेंक के मारता हूँ, नेट से फूटने के लिए खुद ही सामने आ जाता है वो बंदा, लेकिन इधर एक और कैंपर होता है तो उसको मारता हूँ, तीसरा शॉटगन लेके थर्ड पार्टी करने आता है और शॉटगन से मेरे को फेल देता है। भाई क्या डोमिनेशन में शॉटगन, भाई डोमिनेशन में ग्रोजा चलाते हैं, एम4 चलाते हैं, और इधर देखो मैंने क्या 1v3 कर दिया, हाँ बैक स्टेप क्या पीछे से किया लेकिन 1v3 कर दिया, एक बंदे को मैंने पीछे से मारा, दूसरे बंदे को भी आगे घुस के मारा कवर में आके गन रीलोड करके, तीसरे बंदे को भी मैं टपका दिया, लेकिन चौथे बंदे ने मेरे को कैसे टपका समझ में नहीं आया। भाई इसके पास M72 है, इधर देखो मैंने क्या ग्रोजा से सीधा हेडेड चिपकाया बंदे को, आगे जाते ही सीधा दो हेड मारे बंदे की सीधा, वाह कम से कम एमो तो बची गई, एमो का क्या करूँगा। इधर ये मैच लगती है भाई मैं डर गया, ये क्या है भाई 36 39 वाला तो 49 वाला तो मैं हूँ, 68 48 ये क्या 53 55 62 और 45, भाई देंगे ये हमको पूरा का पूरा पीस। हमारे सामने एकदम प्रो लेवल के बंदे थे, लेवल उनका ज़्यादा है ना, ये मैंने सोचा कि भाई गया कंटेंट हाथ से, ये नूबड़े मेरे को आदमी चिपका दिया, और ये नूबड़ा इधर डोमिनेशन में M24 चला रहना है, इधर कितने स्नाइपर ट्रेनिंग चल रही है जो तू M24 चला रहा है तू है, मेरे को पता था बेस टू बेस वैसे कोई ना कोई होगा, तो मैं एक बेस पर आ जाता हूँ AP कब्जा करने, मैंने ADS5 को खोला, उसने मेरे को खोल लिया, और दो नंबर के कौन से नशे चल रहे थे या फिर सर्वर के नशे समझ में नहीं आ रहा, वो मैच लॉग आउट कर दिया या फिर मैच में है पता नहीं, ये देखो कोई भी आके मार के चला जाता है, दो नंबर ऑफलाइन दिख नहीं रहा। मैंने सोचा कि चलो बेस पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, ये तो इधर नोबड़े कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे, मैं इधर बेस पे कब्जा कर बैठता हूँ। मैंने एक बंदे को हाय बोला, उसे बात करने में गया तो उसने कुछ नहीं बोला, मैं उसे मिलने गया, वो मुझे गले मिलने आ गया तो मैं भी उससे गले मिल गया, बेस पे किसी को आने को देना ही नहीं था तो ये मैंने सोच के इधर ही बैठा था, लेकिन एक बंदा आता है उसका टीममेट मेरे पे मतलब आगे ही होता है तो मैं फायर बंद कर देता हूँ, और ये भागते हुए सीधा बक्सरे पीछे छुप जाता है, टीममेट RPG दे मारता है इसके, और एक बंदा मेरे को अभी किसी भूत ने मारा, ये देखो भूत ने मेरे को टपका दिया, ये क्या चल रहा है ऊपर चढ़ के मार रहे हैं ये बंदे, और इधर बक्से के सामने एक बंदा होता है तो मैं उसको डैमेज देता हूँ, वो मुझे मारने आता है, बेचारा मेरे को एक गोली कनेक्ट नहीं कर पाया, देख लो फिर से स्लो मोशन में, बेचारे पे मेरे को दया आई, इसलिए मैंने इसको एक किल दे दिया वैसे करने को, बाद में इसको पूरा धो डाला, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने सोचा कि चलो ये मेरे को ऊपर से कूद के मार रहे, अपन भी इनको ऊपर से कूद के मारेंगे,
इसलिए यही सोच के मैं ऊपर से कूद जाता हूँ। इसके टीममेट क्या कर रहे थे बाहर पता नहीं, और लेकिन ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागते ही जाता है, भागते ही जाता है। मैं जब दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ मेरे को डैमेज दे देता है, लेकिन टीममेट पीछे से आके मार देते। ग्रोजा लेके ऊपर बैठा था, मैंने बोला टीममेट को भाई तू ऊपर चढ़ के इसको मार। ये देखो बंदे का दिमाग बक्से के ऊपर से चढ़ता है, लेकिन तभी मेरे पे दो बंदों का रश हो जाता है और मैं ख़त्म। एक बंदे को चार नंबर निपटा देता है, दूसरे को एक नंबर पीछे से बैकस्टेप कर देता है, मतलब पीछे से मार लेता है। और ये देखो बेस पे कब्जा करने के पड़ी नहीं है इनको, ऊपर चढ़ने का है। मैं बेस पे कब्जा करके बैठ गया, एक ऊपर से कूदता है तो उसको मैं बैठना ख़त्म कर देता हूँ, और तीसरा उसका दूसरा टीममेट मुझे ख़त्म कर देता है। ये चल क्या रहा है भाई, बेस पे कब्जा करने के बजाय इनकी ये उल्टी सीधी हरकतें। एक बंदा मेरे को वही बंदा मेरे को मारने आता है, लेकिन मार नहीं पाता, मुझे इसके ऊपर फिर से दया आ जाती है। मैंने सोचा आपके बार मरूंगा तो इसको एक किल ज़रूर दूंगा, इसलिए भाई इसके हाथों में मर जाता हूँ। एक्चुअली मेरे को मार देता है लो स्पी की वजह से, तो मैं आगे जाता हूँ इसको किसी को ठोकने के लिए, लेकिन ये मेरे को ठोक देता है। चलो इसको एक किल दे दिया, अब इस बंदे को एक भी किल नहीं देने का है, इसके हाथों में एक बार भी नहीं मरने वाला। अब मैं आगे जाता हूँ, मेरे को नेट फेंकने की इतनी आदत नहीं, वरना इसको नेट से उड़ा देता, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इधर भी देखो लो स्पी में क्या ही बंदे को न सीधा फिनिश किया। एक बंदा मेरे को डैमेज देता है, मतलब दे नहीं पाता, लेकिन ये पीछे से मेरे को बैकस्टेप कर देता है। भाई कहाँ छुप के बैठता है कैंपर, मेरे को लगा था कि बेस पे कब्जा करने के लिए उधर बेस पे जाएगा, बेस ए पे जाएगा ये। इसने लेफ्ट से एक बंदा आता है, लेफ्ट से वाले बंदे पे मेरा ध्यान होता है और ये पीछे से मार देता है। भाई क्या है ये, अरे डोमिनेशन में कौन कैंपिंग करता है भाई, डोमिनेशन में कौन कैंपिंग करता है। तो मैंने सोचा कि तो भाई मैंने इसमें तय कर लिया इनको इनका बैंड बजाना पड़ेगा, इनका बैंड बजाना पड़ेगा। मैंने एक बंदे को फिर हम पूरा फिनिश किया, दूसरा देखो इसका टीममेट क्या कर रहा है, तू ऊपर छत पर भाई सीढ़ियों पे एक बंदा आके दोनों को निपटा गया। वहाँ लेवल इनके ज़्यादा है, लेकिन नूबड़ों की तरह खेल रहे हैं। बेस पे बंदे होते तो एक को मैं फिनिश कर देता हूँ, दूसरे को एक नंबर फिनिश कर देता है। तो बेस बी पे मतलब दो नंबर उधर इस तरह होते तो काम आ जाते हैं कम से कम। मैंने पीछे देख क्या कोई नहीं होता है, लेकिन जो भाई भी जाता हूँ भाई क्या है ये पीछे से ही कब टपका, मैंने चेक किया था तब तो कोई नहीं था यार। और इधर मैं गन आगे अंदर रख के जा रहा होता हूँ, ये आग से मेरे को दो डालते हैं, गन को बाहर निकलने का टाइमिंग ही नहीं दिया। तो इधर मैं स्पॉन हो जाता हूँ दूसरी तरफ, इधर मैंने क्या ही बंदे को एडेड मार चिपकाया, मेरे पे M24 चला रहा था ये बंदा, M24 AWM। मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर मैंने नेट फेंक के मारते, कोई ना कोई तो फट ही जाएगा। मैं नेट फेंक के मारता हूँ, कोई फूटता नहीं, लेकिन ये पीछे से परेशान करने अलग आ जाता है, तो मैं इसको भी पूरा फिनिश कर देता हूँ और आगे वाले के स्प्रे में मैं घुस जाता हूँ। फ्री फायर में क्या चल रहा है, फ्री फायर इसने फ्री फायर मारा, इसको फोकट का किल मैंने दे दिया। काई को ये दूसरा टीममेट था वो नहीं, उसको तो मैंने पीछे से पीछे से आया था तो मैंने मार दिया। रोजा वाले को एक नंबर ख़त्म कर देता है। और इधर से दो बंदे, एक बंदा आ रहा होता है, मेरे को लगा एक ही बंदा होगा, लेकिन दो बंदे होते हैं, एक को मैं डैमेज दे देता हूँ, एक नंबर तो चिप जाता है, उसका फायदा दूसरा टीममेट उठा लेता है। अगर वो भी मेरे साथ आ जाता तो आराम से 1v2 कर लेते। एक बंदा एक नंबर एक को फिनिश कर देते, उसके पीछे एक और आता है तो मैं कॉल दे देता हूँ, वो उसको भी पूरा फिनिश कर देते हैं। और इधर एक बंदा ग्रेनेड से डर के भाग रहा होता है, उसको फिनिश मैं नहीं करता, दूसरा कर देता है। और बक्से के पीछे देखो भाई क्या कैंपिंग चल रही है तेरी इधर। और ये देखो ये क्या है, इनविंसिबिलिटी लेके सीधा मुँह पे स्पॉन करवा दिया, मतलब मैं मुँह पे गया, वो कहाँ से स्पॉन हो गया मुँह पे, मैं उसके मुँह पे गया। और इधर क्या करूँ कहाँ से जाऊँ, मेरे को पता था पीछे से कोई ना कोई घुसेगा अंदर, घुसने की कोशिश करता है लेकिन ख़त्म हो जाता है। मैंने सोचा इसको मारूंगा, मैंने इसको पहले डैमेज देना स्टार्ट किया, इसने बाद में मेरे को कैसे टपका मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, इसने हेडेड टिपकाया या फिर ये सर्वर के कोई सस्ते नशे थे भाई, क्या चल रहा है ये इधर। और इन्होंने भाया हम लोगों का 36% और इन लोगों ने देखो 70%, ये बेस तो गया मेरे को, मैं लगा था कि भाई गेम प्ले तो गया। और इसने क्या चालाकी की, बक्से के अंदर कवर का सही इस्तेमाल, और इसके टीममेट ने कर लिया किल चोरी, टीममेट ने नेट फेंका उसके डैमेज में मैं मर गया। मैंने तय कर लिया इनको कुछ ना कुछ उनकी धुलाई करनी पड़ेगी, इनको धोना पड़ेगा। एक बंदा पीछे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता तो मैं उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, लेकिन भाई
समझ में नहीं आ रहा, मैं इधर कैंप करके बैठ जाता हूँ कि कोई आ ना जाए। एक बंदे को फिनिश कर देता, दूसरा बंदा आ जाता है उसको मारने के लिए, अभी आएगा और आ जाता है उसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। तीसरा बंदा भी आता है उसको फिनिश नहीं कर पाता यार, आराम से 1v3 हो जाता भाई, वो भी सामने सामने। तो मैं फिर से कराना क्या था, मैंने सोचा था, मेरे को पता था कि कोई ना कोई अंदर बेस में मेरा टीममेट घुसेगा, तो मैंने सोचा कि इन एनिमीज को ही धोते। मैंने एक को डैमेज दिया, वो मेरे पे जंप शॉट मारने की कोशिश की लेकिन वो मार नहीं पाया। एक बंदा अंदर बैठा होता है उसको टीममेट निपटा डालता है एक नंबर, वो नहीं निपटाता तो मैं निपटा देता है, लेकिन मेरे को किसी ने पीछे से निपटा दिया। भाई क्या है ये, पीछे से कैसे निपटाया? और अभी देखो एक ही स्प्रे में दो बंदे निपट गए, एक बंदे को एडीएस खोल के मारा, एडीएस बंद किया तो ये दूसरा मर गया। वहाँ एक ही शॉट में, एक ही बार में दो बंदे टप्पा दिए, तीसरे ने मेरे को टप्पा दिया। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हमको यहाँ पे स्पॉन किया वहीं पर इसको स्पॉन करवा दिया। वाह वाह वाह, इसी तरह से बेस बी भी उनके हाथ में चला गया। अब बेस सी पे, पॉइंट सी पे हमको कब्जा करने का था। मैंने सोचा कि माथा मैं घुस ही जाऊँगा, एक बंदे को पूरा फिनिश किया और घुस गया। एक नंबर तो ट्रेन पकड़ के आ रहा होता है और मेरा किल भी चोरी कर लेता है वो एक नंबर, ये देख लो भाई। क्या क्या उधर पीछे से मार रहा है, इसको मैं मार देता लेकिन टीममेट ने किल चोरी कर लिया। इधर मैं बैठ जाता हूँ कि कोई ना आ ना जाए, चार नंबर तो बेस पे है ही। एक बंदा दो नंबर को खुली मार रहा होता है और ये चार नंबर को देखो, अबे बेस में जा, इधर क्या भटक रहा है तू। लेकिन नॉक वाला मेरे को फिनिश कर देता है भाई, इनका चल क्या रहा है, बेस पे कोई नहीं है। देख लो देख लो, चार नंबर एक नंबर जिंदा है। मैंने सोचा कि भाई अभी इनको ग्रोजा से मारने का टाइम आ चुका है, तो मैंने ग्रोजा ही उठा ली और ग्रोजा से चल पड़ा मारने के लिए। एक बंदे को M4 से टपकाया और वहाँ अंदर घुस गया, दूसरा को मैं डैमेज दिया उसको चार नंबर ने टपकाया, तीसरा अंदर आया तो उसको मैंने M4 से टपकाया और उसका टीममेट चौथा आया तो चौथे को भाई मैंने ग्रोजा से टपका दिया, एक नंबर को बचा लिया। और इधर भाई एक बंदा M249 से परेशान कर रहा था भाई, M249 से, और एक बंदा पीछे से यहाँ से आ जाता है और वो अपने टीममेट के हाथों से मर जाता है। देख लो एक बंदा मेरे ऊपर पुश करता है तो मैं उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, तो दूसरा बंदा दूसरी साइड से आता है, मैंने उसको ग्रोजा से डैमेज दिया और उसी के टीममेट के नीर से फट गया। ये मेरे टीममेट ने फेंका ही नहीं, फिर से देखो मैंने उसको ग्रोजा से सिर्फ डैमेज दिया, वो लोग 1 HP हो गया और उसके टीममेट के नीचे फट गया बेचारा। सोचेगा भाई एनिमी मार रहे थे, टीममेट भी मारने लग गए, मेरा मो गया सैंडविच, एक नंबर क्या कर रहा था पता नहीं, एनिमी के हाथों मर गया नूबड़ा। अरे चार नंबर देखो भाई क्या कैंपिंग चल रही है, अरे उधर बेस पे पुश करना भाई, पुश करने के बजाय उधर ही बैठा था। एक बंदे को भाई ओपन में लेटा था, मेरे को दिखा कैसे नहीं, मेरे को पहले ये समझ में नहीं आ रहा ओपन में लेट के कौन बैठता है। ये देखो ओपन में फिर भी लेटा है, ये देखो स्लो मोशन में भाई, इसको मैंने डैमेज दिया और एक कवर लेने कहाँ गया, मेरे मुंह के सामने आ गया ये कवर लेने वेक्टर वाला, वैसे मेरे को पूरा टप्पा देता है भाई। कुछ भी करके बेस कब्जे में लेना ही था, चार नंबर तो पुश कर ही नहीं रहा होता है, वो वेक्टर वाला चार नंबर को ख़त्म कर देता है। एक बंदा मेरे को देखता है, मैंने उसको देखा, उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, स्क्रीन में पूरा आग दिया, फिर में दूसरा आता है मतलब उसी को खत्म कर दिया। वेक्टर बहुत खतरनाक गन क्लोज में वो मेरे पेट पे मारता है, लेकिन उसकी एमओ की स्पीड की वजह से मैं मर जाता हूँ। मैंने सोचा कि चलो इसके मुंह पे ग्रेनेड फेंक के मारते हैं, दीवार से बाउंस होके इसके मुंह पे जाएगा, लेकिन वो मुँह पर नहीं जाता है, उधर दीवार पर फट जाता है। मैं अंदर घुस जाता हूँ और इसके मुँह पर फट जाता हूँ मैं, तो एक बंदा मेरे को 1 HP कर देता है, 10 HP कह लो, और उसको मैं फिनिश कर देता हूँ, उसके टीममेट को फिनिश कर देता लेकिन 1 HP होने की वजह से मारा देता है वो बंदा। एक नंबर को बेस पे कब्जा करने की बात कर रहा होता है भाई, हम दोनों अपने बस अपने निपटा रहे बंदों को, ये चार नंबर क्या कर रहा है पता नहीं। एक बंदा बक्से के ऊपर चढ़ा होता है, एक बंदा लेफ्ट से आता है तो मैं उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, क्या कर रहा था पता नहीं। एक बंदा लेफ्ट से बक्से के राइट से बक्से के ऊपर चढ़ता है, दूसरा इन्वेस्टर वाला मेरे को फिनिश कर देता है। अरे बेस भाई उनके हाथ में चला जाता है, लेकिन टीममेट भाई जीत जाते हैं, हम लोग अपन जीत जाते हैं। मेरे को लगा भाई मिल गया मेरे को एक अच्छा खासा गेम प्ले, MVP गेम प्ले मिल गया। देखता हूँ भाई ये कैसे MVP बन गया, मैं जब इसके किल्स देखता हूँ भाई मैं हैरान। अब ये कैंपिंग कर करके 48 किल कर लिए भाई, ये क्या चल रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर मत कीजिए, उनके जख्म पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अलग गेम के गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।